मथुरा में पुलिस के एक सिपाही को बुरी तरह पीटने और फिर उसे फांसी पर लटकाने के आरोपी दूसरे सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्रामीण श्री चंद्र ने कहा कि मृतक सिपाही आशीष के पिता रविंद्र सिंह की शिकायत पर नौझील पुलिस थाना में आरोपी कांस्टेबल रोहित के खिलाफ आईपीसी और एससी एसटी एक्ट कानून की धाराओं के तहत शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों सिपाही एक ही कमरे में रहते थे और गुरुवार रात दोनों ने साथ में शराब भी पी। एसपी ने बताया कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद यह घटना हुई। पूछताछ में आरोपी रोहित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी ने बताया कि जब आशीष ने आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी तो आरोपी रोहित ने लाठी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी ने उसे छत के पंखे से लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण फांसी बताया गया है। रोहित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।